हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है जैसे कि सीवर्स के ऊपर, कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जब आप सीवर में वर्क कर रहे हैं, और टू सेव अ मैन फॉलन इन सीवर्स। ठीक है, ये दोनों मतलब ये जो टॉपिक है वो टोटली सीवर्स के ऊपर है कि हमें क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए वाइल वर्किंग इन सीवर्स, तो उन्हीं के बारे में मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो जैसे कि बड़ी बड़ी सिटीज़ जो रहती हैं, जो बड़े बड़े शहर रहते हैं, वहाँ क्या होता है, जो गंदा पानी जो रहता है उसको बाहर निकालने के लिए, मतलब आउट ऑफ सिटी निकालने के लिए ज़मीन के नीचे पक्के नाले बनाए जाते हैं। जैसे कि मतलब अंडरग्राउंड रहता है, वो देखा होगा आपने काफ़ी सारा जगहों पे, जैसे कि ये आपको शो भी हो रहा है, इस तरीके के रहते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सीवर्स रहते हैं। उससे क्या होता है, जो गंदा पानी है वो सिटी, आउट ऑफ सिटी ले जाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब इसमें काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि इसमें गंदा पानी बह रहा है तो कभी कभी क्या होता है, इनके अंदर काफ़ी सारी गैसेज भी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, जो कि हार्मफुल रहती हैं जो भी वर्कर उसके अंदर काम करने गया है उनके लिए। ठीक है, तो जैसे कि उसके अंदर मीथेन आ जाती, मीथेन गैस उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस। ठीक है, तो इस तरीके की गैसेस जो रहती है वो हार्मफुल रहती हैं, और जो भी पर्सन उसके अंदर वर्क करने जा रहा है, गया हुआ है, तो वो अगर इनहेल कर ले तो इसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या क्या अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हम सेफ्टी के साथ वर्क कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो उसके पास ब्रीथिंग एपरेटस होना चाहिए। ब्रीथिंग एपरेटस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर्सन के पास, क्योंकि अगर वो उस सीवर की जो सीवर के अंदर रह के अगर वहाँ की एयर इनहेल करेगा तो कहीं ना कहीं वो बीमार होगा, है ना, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। पर अगर वो ब्रीथिंग एपरेटस लेके जाता है तो उसको इस तरीके के हार्मफुल गैसेस इनहेल नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आगे जैसे कि अब आपको उसके अंदर अगर आप वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है, सीवर लाइन में आप जा रहे हैं, तो आपको ब्रीथिंग एपरेटस आपने ले रखा है। ब्रीथिंग एपरेटस के बाद बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करना होगा जब आप वर्क कर रहे हो सीवर्स में। अब देखिए होता क्या, जो सीवर्स रहते हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग रहते हैं, तो उनके एक मेन होल्स रहते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल्स रहते हैं जिसके अंदर से अपन एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको जब भी आप उसके अंदर वर्क कर रहे हो तो टू पर्सन्स आपके बचाव के लिए, दो आदमी आपके बचाव के लिए वहाँ कार्य करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, एक जो पर्सन है वो आपका जो मेन होल है, मेन एंट्री एग्जिट पॉइंट है, मेन होल के पास ऊपर खड़ा रहेगा, एक मेन होल के नीचे खड़ा रहेगा। ठीक है, वो बराबर आपको संपर्क करेंगे, आप ऐसा तो नहीं किसी सिचुएशन में फंस गए हों या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो वो प्रॉपर आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ और होती है मेन, जैसे आप सीवर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को आप खुजली ना करें, है ना, क्योंकि क्या होता है जब आप खुजाएंगे तो एक जैसे कि स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा, और ऊपर से फिर ये मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह इस टाइप की गैस अगर मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आग लगने का भी डर हो सकता है। ठीक है, साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप उसके अंदर गए हुए हैं, सीवर के अंदर गए हुए हैं, तो याद रखें कि आपने ब्रीथिंग एपरेटस लिया है, उसका सारा उसका इंस्पेक्शन करके ही उसको लेके जाए, है ना, ऐसा ना हो कि ब्रीथिंग एपरेटस में ऑक्सीजन ही कम हो, है ना, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको साथ साथ उसके ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे ही आपका सीवर ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, जब भी आप सीवर से बाहर आ जाते हो, तो उसके बाद आपको तुरंत ही अपने क्लॉथ्स जो हैं वो चेंज कर लेना चाहिए। अगर इस दौरान आपको कोई चोट लगी है तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट उसका लेना चाहिए, क्योंकि आप सीवर के अंदर वर्क कर रहे थे, वहाँ काफ़ी सारे ऐसे हजार्डियस मटेरियल्स थे, क्योंकि आया तो गंदा पानी ही है ना, तो उससे होने वाले हजार्ड्स जो हैं उससे आप बच सकें तो आप तुरंत कांटेक्ट कीजिए और अपने ट्रीटमेंट्स लीजिए, और बाकी जो भी आप अपनी सेफ्टी के लिए जो जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे आपको लेने होंगे, जैसे कि आप जो भी सूट वेयर कर रहे हैं उसके अंदर वर्क करने के लिए, तो आप जो भी सूट वेयर कर रहे हैं वो देखिए वही वाला होना चाहिए जो आप सीवर्स में अलाउ होता है। ठीक है,
फ्लेम प्रूफ टाइप लाइट सूट रहता है, फ्लेम प्रूफ, ठीक है। और आप लाइट का भी जो यूज़ करें वो भी फ्लेम प्रूफ रहनी चाहिए, ठीक है, फ्लेम प्रूफ टाइप, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं सीवर्स के अंदर, मतलब जो भी है, आप फुल स्लीव्स का क्लॉथ्स वेयर कीजिए, है ना। और बाकी आपका हेलमेट होना चाहिए, ब्रीथिंग अपरेटस के साथ मास्क आपका लगा ही होगा फेस पे, ग्लव्स आप यूज़ कीजिए, शूज़ यूज़ कीजिए, है ना, तो इससे कि आप खुद को सेफ भी रख सकें, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको अवेयरनेस बताया जब आप सीवर में वर्क कर रहे हैं उस समय के लिए, क्योंकि देखिए सीवर्स में वर्क करना तो आसान काम नहीं है। अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तभी आप खुद को सेफ भी रख पाएंगे, क्योंकि सेफ्टी के साथ जो वर्क होगा वो अच्छा भी होगा और एक्सीडेंट्स लेवल भी कम रहेंगे। अगर आप ऐसे ही सोचे कि आपने तो बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप जल्दी से उसमें काम वर्क करने जा रहे हैं और कोई भी इक्विपमेंट आपने नहीं ले रखा है तो ये आप ही के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस बनती है वो बहुत ही हजारडियस टाइप्स हैं और उनसे बचने के लिए आपको खुद को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको अवेयरनेस वेल वर्किंग इन सीवर्स के बारे में बताया। अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो एमरजेंसी प्लानिंग और फर्स्ट एड से रिलेटेड है, तो ये भी एक इमरजेंसी के अंदर ही आ जाता है। जैसे कि किसी कोई वर्क कोई पर्सन सीवर में वर्क करने का, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, तो हमारी इमरजेंसी प्लानिंग उसके लिए क्या रहेगी। तो हम इमरजेंसी प्लानिंग से पहले पहले हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। जैसे कोई अगर सीवर में वर्क कर रहा है तो हम उसको अटेंड करने के लिए अटेंडर एक रखेंगे, दो अटेंडर्स रख देंगे, जिससे कि जो भी वहाँ नीचे हो रहा है उसकी अपडेट्स मिलती रहें। अपडेट्स मिलने से हम अपनी सेफ्टी जो है, जो भी हमने सेफ्टी रख रखी है उसको हमें यूज़ करने का मौका मिल सके, क्योंकि हमें अपडेट अगर टाइम पर होता है कोई भी चीज़ तो हम उसको सेव करने के लिए कोई ना कोई स्टेप ले लेते हैं। पर जब अगर हमारे पास अपडेट नहीं होगा कि अंदर क्या हो रहा है तो हम वहाँ उस जगह पर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस से ये भी मतलब है कि आप कितना अवेयर हैं उस वर्क को करने के लिए और आपके साथ में जो भी लोग हैं वो कितना अवेयर हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको अवेयरनेस वेल वर्किंग इन सीवर्स बताया। सो थैंक यू।